नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके सॉल्वेंट टेक में, जहां पर हम बात करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट से रिलेटेड जुड़ी हुई हर एक समस्या के बारे में, हर एक प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों आजकल वीडियो भी बहुत खास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। एक बार वीडियो देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगी बात। और अगर लगे कि नहीं वास्तव में इसमें कोई दम है तो दोस्त लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पूरा वीडियो एक बार देखिए फिर मजा आ जाएगा। प्रश्न हमारा आया है, सेफ्टी बॉयलर क्या होता है? सेफ्टी सेक्सी नहीं भाई, सेक्सी नहीं, सेफ्टी बॉयलर लो ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लें। सेफ्टी बॉयलर प्लांट में एक चीज आइटम होता है, सेफ्टी बॉयलर बोलते हैं। क्या होता है भाई इसके बारे में? इसका नाम है सेफ्टी बॉयलर। ये काहे की सेफ्टी कर रहा है? बॉयलर, बॉयलर तो उसको होता है जहां से स्टीम आती है। बॉयलर का मतलब सारी जो दिमाग में प्रश्न उगेगा सारी चीज में आप ही क्लियर कर देता हूँ सारी चीज, फिर कभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं आपको। ठीक है दोस्त, आपको मैं एक एक बात के बारे में सारी चीज बता देता हूं। और दोस्तों एक खास खबर आप सबके लिए, अगर आपके प्लांट में कोई समस्या आ रही है तो आप बेशक लिख रहे हैं, उसका मैं निदान बता रहा हूं। अगर उससे नहीं हल हो रहा है, आपको लगता है कि ये नहीं, और जो लोग इस प्लांट को देख रहे हैं और उनके प्लांट में मेंटेनेंस के कार्य होने हैं या किसी तरीके के कार्य होने हैं, तो बहुत बड़ी टीम है सॉल्वेंट के साथ। आप किसी भी मतलब आप अगर आप चाहते हैं कि आपका काम अच्छा और बढ़िया हो जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कॉन्ट्रेक्टर जो उसका काम आपका बेहतरीन तरीके से करके आएंगे। ठीक है दोस्त, हाँ तो बात शुरू करते हैं। सेफ्टी बॉयलर क्या होता है, ये क्यों लगा होता है, क्या काम करता है, सारे प्रश्न अभी 10 मिनट 5 मिनट के अंदर आपको हल हो जाएंगे। अब आपको स्किप करना है तो आधी बात आप सुन लीजिए जितना आपके काम का होगा, बाकी स्किप करके आप तो वैसे भी देखेंगे। मैं 15-20 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो लोग 4-5 मिनट मात्र देखते हैं, कभी कभी तो मनोबल टूटने लगता है यार आप लोग देखते नहीं तो फिर मैं डालता क्यों हूँ। और एक खबर, मैं अब फेसबुक में वीडियो अब नहीं डालता हूँ, इसलिए आप सबको अगर जो देखना है समझना है तो आप सीधे यूट्यूब पे सर्च करिए सॉल्वेंट टेक और उससे जुड़ जाइए। चलिए सेफ्टी बॉयलर क्या है? सेफ्टी बॉयलर एक आइटम है प्लांट में, जो देखने में इस तरीके का लगता है। ये क्या है? पेपर में ये ग्लास में एक लेवल देखते हैं कि इतने लेवल तक पानी भरा हुआ है, या ये कह दें कि लेवल के बाद में अगर जो पानी थोड़ा सा बढ़ा तो फिर ये यहां से पानी हमारा बाहर हो जाएगा। इस लेवल से ऊपर होगा तो ये बैंड लगा हुआ है पानी का, यहां से पानी हमारा बाहर हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेफ्टी बॉयलर, कुछ लोग बोलते हैं हार्ट वाटर, है ना, और भी कई नामों से लोग इसको जानते हैं। इसको कुछ लोग रिवाइलर बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये कैसे बना होता है, ये क्या है, ये क्या है, ये है साइड ग्लास। अगर ना समझ में आए बोल रहा हूं उसको समझ लीजिए, साइड ग्लास है ये। दो जो क्या है, ये फ्लांचेस हैं, इसमें कॉइल लगी होती है अंदर इस तरीके की, ऐसी ऐसी कॉइल लगी होती है जिसमें एक साइड से स्टीम इन होती है स्टीम, और एक साइड से स्टीम आउट होती है, ठीक है। इसमें से पानी इसका निकलता रहता है, कॉइल अंदर पानी को गर्म करने के लिए जैकेट जैसे काम है ना, कॉइल लगी रहती है इस तरीके की, कॉइल अंदर पड़ी रहती है इसके पानी के बीच में, ये पानी के बीच में इसमें स्टीम देते हैं, इस पानी को गर्म करने के लिए, इसमें अंदर जो पानी भरा है उसको गर्म करने के लिए इस तरीके की एक काई पड़ी रहती है, इसके अंदर हम स्टीम देते हैं इधर से, और इधर से उसको मतलब ट्रैप लगा के बाहर निकाल देते हैं ताकि ये काई अंदर गर्म बनी रहे। दूसरे की जो नीचे से ये जो है ये ओपन स्टीम का वो है पाइप, जो हम ओपन स्टीम इसमें डायरेक्ट देते हैं, ठीक है, और भी कई तरीके से जहां पर जैसा देना है। ये पानी को ड्रेन करने का लाइन है, ये ड्रेन लाइन है,
ठीक है, ये सारी चीजें लगभग आप जानते ही होंगे। अब हम सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं, ये ऊपर जो है वेफर लाइन है, इसको सेफ्टी बॉयलर क्यों कहते हैं। बॉयलर जो हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, बॉयलर मतलब बॉयलर, बॉयल माने उबालना, जो उबलता हो जहां पर, जहां उबलता है वहां स्टीम बनती है, तो बॉयलर तो हम उसको बोलते हैं जहां से स्टीम आती है, उसी को बॉयलर बोलते हैं। दूसरी चीज इसके साथ में एक और चीज लगी है सेफ्टी, दूसरी लगी है बॉयलर। आखिर ये कौन सी चीज का सेफ्टी कर रहा है यार, और बॉयलर क्यों कह रहे हैं इसको, जबकि इसमें पानी तो उबलता नहीं है, जबकि इसमें पानी जब उबलता नहीं है तो इसको सेफ्टी बॉयलर क्यों कहते हैं, है? हार्ट वाटर तो समझ में आता है, जहां जहां हार्ट वाटर बोलते हैं तो हार्ट वाटर तो समझ में आता है, गर्म पानी भरा हुआ है इसमें, है ना, इसमें गेज भी लगा रहेगा पानी की में, जो आपको दिखाएगा गेज, टेम्परेचर गेज भी लगा रहता है जो टेम्परेचर दिखाएगा। लेकिन सेफ्टी बॉयलर क्यों कहते हैं, क्या इसमें ऐसी चीज है जो सेफ्टी हो रही है और बॉयलर, और इसका काम क्या है, क्यों लगाया जाता है सेफ्टी बॉयलर। भाई वो आइटम है जहां पर गर्म पानी का सर्कुलेशन डस्ट कैचर से होते हुए सेफ्टी बॉयलर में चलता रहता है। ये पानी चलाने की जरूरत क्या है, आखिर क्यों चलाते हैं पानी इसमें सेफ्टी बॉयलर में भरते हैं। ये पानी हम इसलिए चलाते हैं जब किसी को उड़ाया जाता है, डीटी के अंदर आपने ओपन स्टीम दी, वहां से वेपर आपको कलेक्ट करना है, वेपर के साथ साथ जब वेपर डीटी से निकलती है या ओपन स्टीम के द्वारा उड़ाई जाती है, तो क्या अकेले वेपर उड़ती है और कुछ चीजें नहीं उड़ती, और भी बहुत चीजें उड़ती हैं। तो और क्या क्या, देखिए ये तो हो गया जो आपको मैंने समझा दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह चाहिए हमको, बोर्ड छोटा है, ये सब हटा देते हैं। जब यहां से पानी का सर्कुलेशन क्यों चलाना पड़ता है ये समझ लीजिए, जब डीटी से हमारे वेपर उड़ी तो क्या सिर्फ वेपर अकेले उड़ी, हेक्जेन अकेले उड़ा, उसके साथ में क्या क्या था, जैसे हम कोई चीज चला रहे हैं, मान लो राइस चला रहे हैं, तो बहुत पाउडर होता है इसमें, तो राइस के पाउडर के पाउडर भी है थोड़ा बहुत इसमें, जो उसमें जा रहा ऊपर उड़ रहा है डीटी से ऊपर कलेक्ट हो रहा है, पाउडर है, प्लस पाउडर के साथ साथ और क्या है, हेक्जीन है, प्लस और क्या है, स्टीम है, और जहां स्टीम है वहां पर पानी है ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, पानी भी है, प्रेशर भी है, हेक्जीन भी है, पाउडर भी है। इन सारी चीजों को हम जब उड़ा रहे हैं ऊपर, तो हम हाइजीन के लिए तो हमने संयंत्र लगा रखे हैं, हाइजीन तो हमारी जाएगी इकोनोमाइजर में, यहां से जो हाइजीन उड़ती है डस्ट कैचर में जाती है, डस्ट कैचर अगर ना लगाया जाए तो कहां जाएगी, ये जाएगी इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर के सेल में जाएगी, ये जाएगी इकोनोमाइजर के सेल में। तो अब वहां पर अगर पाउडर, इकोनोमाइजर के सेल में अगर पाउडर जाएगा, ज्यादा स्टीम जाएगी, बहुत ज्यादा पानी जाएगा, अच्छा पानी स्टीम तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पाउडर जाएगा तो क्या करेगा, जो इसके अंदर का सेल है इसको क्या करेगा, जाम कर देगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, डस्ट कैचर, जो हमारा पाउडर उधर से उड़ के आ रहा है हेक्जीन के साथ में, तो उसको जो है वाश करने के लिए डस्ट कैचर लगाया, डस्ट को कैच कर ले, ठीक है, पूरी कहानी समझेंगे तभी इसकी पूरी। अब जो है ये हमारा मान लो डस्ट कैचर है, यहां पर हम पानी का स्प्रे दे रहे हैं, इधर भी दे रहे हैं, यहां माल, यहां पे वेपर आ रही है, ये वेपर आ रही है, यहां से वेपर जा रही है, ये यहां से आ रही है या यहां से जा रही है, ठीक है। अब ये जो है ऊपर से पानी के स्प्रे चल रहे हैं, ये पानी के स्प्रे चल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, तो जो वेपर हमारी डीटी से आ रही है उसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना रखते हैं, अच्छा डीटी का टेम्परेचर डक्टिंग का हम जो देखते हैं वो कितना रखते हैं, 80 ये 78 to 80 ऐसे रखते हैं ना, 78 सेल्सियस से 80 सेल्सियस तक। अच्छा अब वेपर में हम पानी का जो स्प्रे कर रहे हैं, जो स्प्रे डाल रहे हैं,
अगर ये स्प्रे हम ठंडे पानी के इसमें डाल देंगे तो क्या होगा कि वेपर हमारी जो आ रही है 80 डिग्री की वो ठंडी हो जाएगी, अगर ठंडी हो जाएगी तो पानी में मिक्स हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी तो पानी में मिक्स हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि हमको इतना टेम्परेचर रखना है उसमें पानी में कि वो वाष्प भी हो जाए और ठंडी भी ना हो। इसलिए सेफ्टी बॉयलर का टेम्परेचर हम कितना रखते हैं, ये ध्यान रखिए, जो सेफ्टी बॉयलर के अंदर जो पानी होता है उसका टेम्परेचर रखते हैं हमेशा 78 to 80। जो हमारे डक्टिंग का टेम्परेचर रहेगा डीटी के, वही टेम्परेचर हम यहाँ मेंटेन करेंगे। इतना अगर टेम्परेचर हम नहीं रखेंगे तो हमारा जो हाइजीन हम वाश कर रहे हैं उसके ऊपर डस्ट कैचर में स्प्रे दे रहे हैं पानी का, फिर वो क्या होगा वहां पर हाइजीन ज्यादा हो जाएगा, ठंडा होने लगेगा। तो हमें हाइजीन ठंडा नहीं करना, हाइजीन हमें ठंडा करना है कहाँ जाके, इकोनोमाइजर और कंडेंसर में ले जाना है, लेकिन हम डस्ट साफ करने के लिए इसमें कर रहे हैं। तो डस्ट इसमें स्प्रे चल रहा है और ये पानी हमारा नीचे फिर कहाँ आ रहा है, इसमें हॉट वाटर में या रीबॉयलर में। अच्छा, सेफ्टी बॉयलर या रीबॉयलर क्यों कहते हैं, इसमें सेफ्टी क्या है, जो हमारा हाइजीन जो है डस्ट है, डस्ट को हम यहाँ नीचे ले आ रहे हैं, पानी का सर्कुलेशन चल रहा है, जब हमको लगता है कि इसमें ज्यादा डस्ट हो गई है तो उसको जो है पानी बाहर, इससे रेगुलर पानी बाहर जाता है। इसमें पानी आता है जो आपका कॉन्टेक्ट कूलर का पानी होता है, इसका एक मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको, कॉन्टेक्ट कूलर से होकर के, सेपरेटर से होकर के जो पानी आता है उसमें भी हाइजीन की टिश्यू होते हैं, तो वो इसमें आता है पानी, और जब हम इसमें से वाश करके ये पानी रेगुलर यहाँ से धीरे धीरे करके बहता रहता है, नीचे जाता रहता है ये नाली में पीछे, उसके लिए सेफ्टी वाला लगा लेते हैं, बाहर पिट बना रहता है, ठीक है, सेफ्टी टैंक बना रहता है। तो अब देखिए ये पानी जो भरा है इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 78 to 80। अच्छा, इसमें बॉयलर क्यों कहते हैं, इसमें पानी उबल तो रहा है, 80 डिग्री में कौन सा पानी उबलता है भाई, नहीं उबलता है, फिर इसको बॉयलर क्यों बोलते हैं। सेफ्टी तो समझ में आ गई कि भाई हाइजीन को बचाता है, हाइजीन को वाश करता है, तो सेफ्टी तो है प्लांट की। सेफ्टी किस चीज से कर रहा है कि पाउडर हमारा उसमें नहीं जा रहा है ना। और एक चीज सेफ्टी क्या है, बॉयलर क्यों बोलते हैं भाई, पानी इसमें नहीं उबल रहा है क्योंकि 80 डिग्री में पानी नहीं उबलता, लेकिन कोई चीज तो इसमें उबल रही है, वो कौन सी है, वो है आपका हाइजीन। क्या है, हाइजीन, क्योंकि हाइजीन का बॉइलिंग 80 नहीं, वो मतलब 100 नहीं होता भैया, उसका कम होता है ना। तो इसमें क्या हाइजीन जो है, इतना टेम्परेचर होता है कि हाइजीन का बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होता है, तो हाइजीन उबल रहा है इसलिए इसको बॉयलर भी बोलते हैं, ठीक है। सेफ्टी हाइजीन को मतलब, जब ये उबल, हाइजीन का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, पानी का 80 डिग्री है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो बॉयल होके और उड़ेगा, और उड़ने के बाद में क्या करेगा, यहाँ से सीधे जा करके कहाँ जाएगा, आपके कंडेंसर में। ये हाइजीन जो यहाँ से उड़ेगा, पानी में जो हाइजीन आएगा भाई, पानी वाश करके उसमें कुछ बहुत हाइजीन भी तो आएगा, तो पानी तो नहीं उबल रहा है, इसलिए बॉयलर इसको इसीलिए बोल रहा है, पानी तो नहीं उबल रहा है, लेकिन ये किस चीज को बॉयल कर रहा है, हाइजीन को, इससे हाइजीन जिसे बॉयल करता है तो उड़ता है, उड़ करके जाके कंडेंसर में चला जाता है। तो सेफ्टी बॉयलर क्यों कहते हैं पता चला, किस चीज के सेफ्टी कर रहा है, किस चीज को बॉयल कर रहा है, ये चीज समझ में आई। इसका सर्कुलेशन कहाँ चलता है, डस्ट कैचर से होते हुए हमारे इस हार्ड वाटर से डस्ट कैचर, वहां पर हम स्प्रे करते हैं। और ये क्यों लगाया डस्ट कैचर, जो हमारी स्टीम्स के जो मतलब वेपर आ रही है हमारी डीटी से, उसको साफ करने के लिए, उसका पाउडर वाश करने के लिए, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। क्यों लगा होता है हार्ड वाटर, क्यों लगाया जाता है सेफ्टी बॉयलर, इसको सेफ्टी बॉयलर कहते क्यों हैं, सारी प्रॉब्लम का आपको मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि समझ में आ गई होगी अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, ठीक है दोस्त। कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और हाँ, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए पहले अपलोड हो चुके हैं, सारे वीडियो देखें, उनसे समझें। अगर आप प्लांट में नए हैं, आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प इस चैनल के माध्यम से की जा रही है और हमेशा करते रहेंगे अगर आप हमारा थोड़ा सा साथ देंगे। और आपको अगर लगता है, जो सीनियर्स हैं हमारे जुड़े हुए देख रहे हैं, उन सबसे मैं निवेदन करता हूँ, सर आपका नॉलेज अगर कहीं किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपका छोटा सा वीडियो बनाइए। और ऐसी, मुझे विश्वास है कि आप ऐसे ऐसे थॉट हमें भेज सकते हैं जो शायद हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
तो जरूर बताइएगा, वीडियो बना करके आप मुझे भेज दीजिए। अगर आप वीडियो नहीं बनाना चाहते, आप टाइप करके लिख करके कोई चीज मुझे हमें बताना चाहते हैं तो आप टाइप करके व्हाट्सएप कर दीजिए 88 78 85 74 38 पर। हम उसको, अगर आप नहीं वीडियो बनाएंगे तो फिर हम उस पर वीडियो बना करके पब्लिक में भेज देंगे ताकि लोगों को हेल्प हो सके, लोग सीख सकें। हमारा प्रयास यही है कि सब कोई सीखे, आगे बढ़े, ठीक है। तो जरूर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।